उसके घर से बाहर आने के बाद सुंबुल और मंडली ने की जमकर पार्टी। सुंबुल तौकीर खान ने दिया नए प्रोजेक्ट पे ये बड़ा इशारा। आखिर कौन सा होगा वो रियलिटी शो, आइए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों, बिग बॉस के घर से आने के बाद एक वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड पार्टी कल ऑर्गेनाइज की गई, रीयूनियन पार्टी, जिसमें साजिद खान, सुंबुल तौकीर खान, चाहे वो शिव ठाकरे हो, निमृत कौर आलूवालिया, सभी लोग इस पार्टी में शरीक थे। हालांकि इस पार्टी से एमसी स्टैंड ज़रूर मिसिंग थे, लेकिन फिलहाल के लिए ऑल 90% मंडली यहाँ पे इकट्ठा थी। अब्दुल रुजक भी यहाँ पे अवेलेबल थे। मीडिया इंटरेक्शन ने सुंबुल से ये सवाल दागे कि आखिर सुंबुल क्या रियलिटी शो करेंगे या फिर डेली सोप। तो सुंबुल ने फिलहाल के लिए तो यहाँ पे कुछ बड़ा खुलासा नहीं किया है, लेकिन लॉकअप का एक हिंट ज़रूर दे दिया है। हालांकि मुझे ये ऐड करना होगा कि सुंबुल तौकीर खां की पर्सनैलिटी को देखते हुए उनके फैंस तो ज़रूर ये उम्मीद नहीं करेंगे कि लॉकअप जैसे रियलिटी शो का हिस्सा सुंबुल बने, लेकिन आने वाले दिनों में सुंबुल को लॉकअप शो ऑफर हो सकता है या फिर हुआ भी है, क्योंकि सुंबुल ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है ये साफ है कि अगर आप शॉक मत हो जाना कि रियलिटी शो लॉकअप का सुंबुल भी हिस्सा बन जाए, क्योंकि बिग बॉस के कई सारे कंटेस्टेंट जो हैं वो लॉकअप के सीजन 2 का हिस्सा बनने वाले हैं। फिलहाल देश में रियलिटी शो का बोलबाला है और रियलिटी शो से चंद दिनों में ही लोग रातों रात स्टार्स बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सुंबुल अगर डेली सोप में नज़र नहीं आती हैं तो लॉकअप या फिर खतरों के खिलाड़ी जैसे बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बन सकती हैं। आप किस में सुंबुल को देखना चाहोगे, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।